आपको थैंक यू, ऐसे 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 खाना हमेशा देते रहो, और क्या बोलते हैं आप भी उसको। मुझे अच्छे अच्छे शॉपिंग कराते रहो, मैं भी अच्छे अच्छे खाना देते रहूंगी। और आज फिर से जो धमाशान बारिश है वो फिर से आज स्टार्ट हो चुकी है। मतलब 3 दिन हो गया, मैं सोच रही थी कि बारिश क्यों नहीं हो रहा है, और कल से जो हुआ है तो चल रहा है अभी इसका। बिल्कुल, बाप रे बाप, कितनी पानी आ गई है इस रास्ते पे। और यहाँ पर कुछ कुछ लोगों का बालकनी में कपड़ा भी सूख रहा है। और ये आप देख सकते हो जो स्विगी वाले और जोमेटो वाले, सच में उन लोगों के लिए मुझे बहुत मतलब बुरा लगता है। बारिश हो, जो भी हो, कोरोना हो, जो भी हो, वो लोग तो मतलब मैं देखती हूँ रोज जाते हैं यार डिलीवर करने लोगों के लिए, और खुद के लिए मतलब कितना वो तकलीफ करते हैं। और हम लोगों का तो आराम से जो काम हम सब की है तो घर से हो रही है, पर उन लोगों का यार मजबूरी है, उन लोगों का काम घर से नहीं हो सकती, तो वो लोग तो बाहर तो जा ही रहे हैं। और आज ना मैंने बेडशीट चेंज कर लिया, क्योंकि ये जो बारिश होती है ना, जो बेडशीट मतलब आप डाले हो भी मतलब 4-5 दिन में, ऐसे यूजुअली मैं 7-8 दिन में चेंज करती हूँ, पर अगर बारिश की वेदर हो तो जो बेडशीट होती है वो ऐसे ही मतलब मॉइस्चर सी गिली 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 कैसा अजीब सा फील होता है। एंड हेलो एवरी वन, वेलकम बैक टू माई चैनल। होप कि आप सब अच्छे हैं और हम भी ठीक ठाक ही हैं। और आज ना हम लोगों की लंच मतलब लंच में राइस नहीं बनी है, क्योंकि राइस बिल्कुल भी ख़त्म हो गई है। वो बासमती जो राइस होती है वो है मेरी इंडिया गेट बासमती राइस, बट वो पिंकू को नहीं खाना था, तो इसीलिए हम लोगों ने आज मतलब लंच में सैंडविच खा लिया। तो पिंकू का तो बहुत मज़े है उनका। और आज पिंकू बैठ के गेम खेल रहे हैं, उन्होंने आज पहली बार आज वो पबजी खेल रहे हैं। पता नहीं उनको भी क्या जोश चढ़ी है, वो जो आजकल काफी बोल रहे हैं कि सब लाइव स्ट्रीमिंग कर रहे हैं, तो मैं भी थोड़ा खेल के देखती हूँ क्या इतना क्यों इन लोग पबजी खेल रहे हैं। नहीं यस हाँ और मेरी तो ऑलमोस्ट मतलब सब्जी वगैरह ग्रोसरी में बहुत कुछ खत्म हो चुकी है। और आपने ऑर्डर किया था ना बिग बास्केट? हाँ, और बिग बास्केट में भी हम देख रहे थे कुछ कुछ सामान रह रहा है उनके पास और कुछ नहीं, तो ऐसा करके मतलब हम कहाँ से लें, लोकल से लें या फिर हमारे यहाँ पर एक लोकल स्टोर भी है, वो लोग मतलब वो लाके घर पे डिलीवर करके जा रहे हैं। हमारा जो कल वो पूरी का प्लान बना था वो भी मैं दिन में नहीं बना पाई, क्योंकि मैंने देखा कि मैदा ही नहीं है घर पे, तो ये जो चक्कर चल रहा है। तो पहले तो होता था पिंकू तुम 5 बार बोलो वो पिंकू ये नहीं वो नहीं, वो 5 बार चले जाओगे ना आप। हाँ मतलब उनको कोई दिक्कत नहीं हुई उसमें, उनका मजा है। घर से बाहर निकलने का एक चाहिए ना, क्या बोलते हैं उसको, बहाना, मौका चाहिए। हाँ, बहाना चाहिए। वो उनको जितनी बार बोलो ये नहीं वो नहीं, वो बार बार जाके ले आएंगे। अभी के सिचुएशन में वो मौका नहीं चाहिए अभी। हाँ, अभी मतलब पापा को भी पता चलेगा ना, ये वो फिश वगैरह चिकन वगैरह लाने जा रहे हैं, वैसे ही बहुत डांट पड़ रहा है। खुद का बोलते ना, खुद का तबीयत नहीं। और यहाँ पर जा भी नहीं सकते अभी तो, हमारा तो लॉकडाउन चल रहा है ना यहाँ पर। हमारा जितनी भी मतलब सब्जी फिश वगैरह जो भी मिल रहा है सब सुबह से 7 से 12 ना, 7 से 12, 7 से 12 के अंदर जो खाना है मतलब जो भी लाना है खाने के लिए सामान बोला, वरना और कुछ मिलेगा नहीं। अब आप मैडम थोड़ा चाय बना दो, सुबह से चाय नहीं पिलाए हो। आज सुबह नहीं पिए मतलब हम दोनों ने चाय, कि मिल्क टी जो थोड़ा हम अवॉइड कर रहे हैं सुबह सुबह। कोई एक व्यूअर ने बोला था कि मिल्क टी को अवॉइड करके फ्रूट जूस पिया करो। चलो मैं चाय बना के लाती हूँ और फिर बैठ के आराम से बात करती हूँ आप लोग के साथ। जल्दी से आओ, छोड़ के छोड़ो, छोड़ देता हूँ, छोड़ ही दो उसको, आ जाओ। क्या खेलने नहीं देते हो? खेलने नहीं देती हूँ? नहीं, शक्ल दिखाओ जरा अपना। कब खेला था मैं पबजी? आज स्टार्ट किया हूँ मैं पबजी। इतना क्यूट भाई, ये क्या आपकी चप्पल तो हटाओ, गिर रही हूँ मैं। अरे इतना क्यूट क्यों बन रहे हो? दिखाओ जरा शक्ल, दिखाओ। है ये क्या, ये क्या?
और पहले ना मुझे जब ये मुझे जब बोलते हैं कि जाओ, मतलब जब मैं चाय नहीं पीती थी, बोलते हैं कि जाओ चाय बना के लेके आओ हमेशा बार बार, तो मुझे बहुत चिढ़ आती थी। अब मतलब पी रही हूँ ना, हाँ चलो बना देती हूँ, तो इसलिए आपके लिए अच्छा है ना कि मैं चाय पी रही हूँ आजकल। हाँ ऑब्वियसली चाय पियो, जो भी करो लेकिन चाय बना के दो। लो आप भी चाय पी लो जल्दी जल्दी, ज्यादा बोलो मेरे को। और मैं इनको चाय पीने के लिए नहीं चिढ़ती हूँ, बट ये जो चाय के साथ इतने सारे स्नैक्स खाते हैं ना, मैदा जो होता है कम हुआ। ये भी कम हुआ। और मेरे लिए वो पहले मैं तुमको बोला था लाने के लिए, आज नहीं लाए। कौन सा वाला लाया था ना मैं? अच्छा मतलब ये मेरा एक्चुअली ऑल टाइम फेवरेट है, चाय बिस्किट, चाय मिक्सचर, ये सब। बचपन से तो मैं एक एक पैकेट खा लेता था। हाँ ये भाभी भी बोलती है कि ये जब मतलब शादी हुआ था भाभी का, तो ये जब भी जाते हैं एक एक पैकेट बिस्किट खा लेते हैं। और मेरे लिए भाभी उसके बाद पता चल गया तो उनको डिब्बा लेके रख देते हैं बड़ा सा, एक डिब्बा पकड़ के, मतलब इतना बड़ा डिब्बा पकड़ के रख देते हैं, खा ले उसके बाद वो ले लेंगे। फिर लोगों को ना एक्चुअल में हमारी कंपैटिबिलिटी देखनी थी, तो कुछ मतलब जिन्होंने कमेंट किया था मुझे याद भी नहीं, तो वो चाहते जो बोल रहे थे कौन सा वाला कि हम एक करें कि आप इनको मतलब कितना पता है मेरे बारे में और मुझे कितना, बट इस इंसान के वजह से, देखो इस इंसान के वजह से मैं नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि ये करना नहीं चाहते हैं और डर के मारे नहीं करना चाहते हैं, और कोई भी रीजन नहीं है मतलब, ताकि करेंगे क्योंकि इनको मेरे बारे में अगर पूछ लो तो मतलब ज्यादा से ज्यादा इनको मतलब पता है खाने में मुझे बिरयानी पसंद है और कलर में मेरी येलो फेवरेट है, उसके अलावा आपको कुछ भी नहीं पता है ना सच में मेरे बारे में, तो डर के बोल रहे कि नहीं फालतू में झगड़ा होगा, तो अगर आप ढेर सारा रिक्वेस्ट करोगे तो शायद ये मान सकते हैं, क्योंकि मेरे बात तो सुन नहीं रहे हैं, और आप लोग बोलोगे तो ये सुन लेंगे शायद। हाँ आप लोग बोलते हो तो ये सुनते हैं यार, जो भी बोलते हो कि हाँ ये वाला वीडियो बनाओ, ये वाला रिक्वेस्ट किया है सबने, वाटर प्रोग्रेशन जल्दी बनाओ, जब दो तीन कमेंट्स आ गया था तो बनाओ बनाओ जल्दी बनाओ, अब मुझे लगा रहे हैं कि ज्वेलरी कलेक्शन दिखाओ, इतनी सारी कमेंट्स आ गए, मैं हाँ दिखाऊंगी दिखाऊंगी थोड़ा आराम से, क्योंकि वो सब वीडियो के लिए ना पर्टिकुलरली मुझे बैठ के बिल्कुल रेडी वगैरह होके प्रॉपरली बैठ के बनानी पड़ती है यार। एक्चुअली ब्लॉग इज वेरी जितनी भी होती है, खाना बनाना, घर की बाकी काम, घर पे कुछ काम, मतलब जो काम नहीं करेगा उसके लिए सच में काम नहीं है, और जो काम करेगा वो मर जाएगा। मतलब ऑर्गेनाइजेशन का बैक स्टोरी थोड़ा बोल दो। नहीं वो लिटरली झगड़ा हो गया था हम दोनों, फिर भी 3-4 घंटा लग गया। हाँ 3 घंटा तो लग ही गया, ऐसे देख के कुछ पता नहीं चलती है, वहां पर स्पेस मतलब मेरे वार्डरोब के सामने ना मतलब बहुत ही कम स्पेस है, उतने में मतलब कैमरा लेके दिखाना झुक झुक के और वो बास्केट निकाल के मैं वहां पर भी नहीं दिखा पा रही थी, फिर बेड में निकाल के दिखाना बहुत डिफिकल्टीज होती है, तो बहुत सारा लाइक करना आप लोग, और अगर नहीं देखे हो अभी तक तो आई बटन पे मैं दे दूंगी, तो अभी जाके देखो आप लोग फिर से, और इन महान आदमी को देखो, महान महात्मा को, नीचे गए थे बोले मैं थोड़ा नीचे से वॉक करके आती हूँ, और देखो पूरा आती हूँ आता हूँ। और ये देखो अभी अरे बारिश होगा, बारिश कुछ नहीं पता, कुछ भी नहीं था, मैं ऐसे नीचे ही। हाँ बारिश सबको बोल के आएगा, मिस्टर चिरंजीवपति मैं आऊँ क्या? घर के सामने जो गली है ना वहीं पर भी मैं चल रहा था। हाँ तो मैं बारिश इमीडिएटली आया, तो मैं क्या बहुत जोरों से मतलब सडनली आया, मैं वो ही सोच रही थी घर पे, अब तो आप भीग के ही आए होंगे, ड्रेस फेंको निकाल के जल्दी से, वॉशिंग मशीन पे डालो, सूखा वाला कपड़ा पहनो। और ये इंसान को देखो, मुझे मतलब मैंने मुझे बोला कि तुम कॉर्न बॉइल कर दो, और मैं मुझे ना वो पील करना बहुत डिफिकल्ट लगता है, एक एक बैठ के इसे पील करना मुझे बहुत मतलब तकलीफ होती है, तो मैं इनको बोलती हूँ ऐसा ही खा लो आप, बोले कि नहीं मैं कर लूंगी, तुम बॉइल करके रख दो, कर दिए ना आप। मेरा कॉल आ गया, मैं क्या कर सकता हूं? हाँ नहीं इसको क्यों लगा के, हाँ अभी बोलो, नहीं मैं तो करके ही आई हूँ, कौन देखा है? मैं बोला हूँ क्या? आप बोलते हो ना वैसे। तो वही इसको मतलब अभी पील करते करते मेरे हाथ दुख रही है, बट हेल्दी चीज है यार, खाना भी चाहिए। खाओ चुगली का बेंगली वाला। ओके खा लो आप पहले चुगली करना। ऑल पर्पज फ्लोर मतलब जो कि है मैदा,
तो इसमें मैं थोड़ा सा ऐड करूंगी बेकिंग सोडा, मैं थोड़ा सा मिठास लाने के लिए पर 1 टेबल स्पून शुगर ऐड कर रही हूँ मैं, टेस्ट के हिसाब से सॉल्ट, और थोड़ा सा यहाँ पर मैं अजवाइन ऐड कर रही हूँ, और अजवाइन बहुत अच्छी होती है, अगर एसिडिटी की भी प्रॉब्लम है आपको तो वो भी नहीं होगी, अगर आपको मतलब उसकी स्मेल वगैरह कुछ अच्छी नहीं लगती आप स्किप कर सकते हो। लास्ट में मैं ऐड करूँगी कर्ड, तो कर्ड भी मैंने 2 टेबल स्पून ऐड किया हुआ है। अभी इसको मैंने अच्छे से आराम मतलब मिक्स कर लिया है, अभी इसमें थोड़ा थोड़ा गर्म पानी डाल के जितना जरूरत पड़ेगा, थोड़ा सा मतलब बहुत गर्म भी नहीं, मतलब थोड़ा गुनगुना गर्म पानी डाल के इसको बिल्कुल डो बनानी है आटा की तरह। तो बस अभी जो डो है बन गया है, अभी मैं इसमें मतलब थोड़ा सा ऊपर से बस थोड़ा सा ऑयल लगा के मतलब इसको आधा घंटे के लिए ढक के छोड़ दूंगी। जो डो मैंने बना के रखा था ये मुझे रखते हुए मतलब आधा घंटा हो गई है, तभी इसी का पूरी बनाऊंगी मैं। तो है इसको फिर से थोड़ा सा मतलब ऑयल डाल के ऊपर से मैं इसको स्मूथ कर रही हूँ अभी अच्छे से। ये सब ट्रिक एंड टेक्निक सीख लो आप लोग भी, जिसको जिसको बनाना नहीं आता है बना के उनको पतिदेव को हमेशा हमेशा के लिए खुश कर दो, हमेशा के लिए खुश कर दो। क्यों, आप तो खुश हो नहीं रहे हो। मैं तो हमेशा के लिए खुश हूँ, अभी थोड़ा बहुत तो अच्छा अच्छा खाना मिल रहा है मेरे को, थोड़ा बहुत अच्छा अच्छा खाना मिल रहा है, थोड़ा बहुत नहीं बहुत बहुत खाना मिल रहा है अच्छा बहुत। खा खा के मतलब फट रहे हैं लोग, लिटरली बोल रहे हैं। थोड़ा खाना आप मुझे खुद मोटी मोटी बोल के चिढ़ा रहे थे। मैं तो रोज सुबह तुमको मोटी बोल रहा हूँ क्योंकि तुम उठ के जाके एक्सरसाइज करे बोल के मैं बोल रहा हूँ। एक दिन दो दिन एक्सरसाइज करेगी फिर उसके बाद मेरा पैर इतना पेन कर रहा है मैं नहीं करूंगी। यहाँ पर देखिए हमारा नानपुरी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है, लास्ट अभी है, लास्ट ना है लास्ट, बट देखो साइज देखो इस तरह से ही शेप में बनता है यार, बड़ा सा करके कट कर देते हैं। दिख रहा है कि नहीं पता नहीं, दिख रहा है ना, हाँ दिख रहा है कि पता नहीं, मतलब आपके मतलब परफेक्टली फोकस ले रहा है कि नहीं। हाँ ये देखो साइज देखो मस्त हुआ है साइज, पूरा गर्मा गर्म। चलो अभी इसका मजा लेते हैं। थैंक यू मैडम, थैंक यू थैंक यू, ऐसे ऐसे खाना हमेशा देते रहो, और क्या बोलते हो आप भी मुझे अच्छे अच्छे शॉपिंग कराते रहो, मैं भी अच्छे अच्छे खाना देते रहूंगी। लात मार रहा हूँ मैं, क्या झूठ बोल रही है, मतलब जानबूझ के ऐसे पीछे हो जा रही है और कैमरा के सामने बोल रही है कि लात मार रही हूँ, भगवान। हाँ, भगवान भी देख रहे हैं। और आज पिंकू का ड्रेस और प्लेट दोनों मैचिंग मैचिंग हो गया ना। अच्छा हाँ, येलो येलो प्लेट थोड़ा अलग कलर है, मतलब हाँ येलो ही है, हाँ हाँ बट थोड़ा अलग येलो है, थोड़ा डीप येलो ऐसे है ना। आज ये बारिश के भीग के आए फिर कपड़ा चेंज किया, और ऐसा इतना कपड़ा मैं नहीं क्लीन कर पाऊंगी। कैसा लग रहा है? मैं बोला था ना आपको ये सब्जी के लिए ये पूरी मस्त है, मस्त है। अच्छा और ये टेस्ट करो, ये अगर अच्छा नहीं बना होगा तो क्या फायदा। मैं वो तो मैं नहीं खाती हूँ, फार्मेसी नहीं वो तो, पर मैं नहीं खाती हूँ। ठीक बना मीठा वगैरह? ठीक है, मेरे को तो हमेशा कम स्वीट चाहिए ही चाहिए, कम है थोड़ा फिर। ओके परफेक्ट है, तो अभी मैं टेस्ट करती हूँ, देखते हैं कैसा हुआ है। और आज मैं सब्जी बनाने से बच गई ड्यू टू पिंकू। अरे किस किस को खतरों का खिलाड़ी अच्छा लगता है यार, वो बोलना जरूर, क्योंकि खतरों का खिलाड़ी मेरे को तो बहुत अच्छा लगता है। हम वही देखते हुए खाना खा रहे हैं, रोडीस और खतरों का खिलाड़ी और बिग बॉस, ये तीनों ना सीरियसली, मेरी स्पेशली रोडीस और खतरों का खिलाड़ी, राइट। बिग बॉस इतना टाइम चाहिए होता है यार, वो बहुत लॉन्ग टर्म खेलता है, बिल्कुल अच्छे से सुनो, ये मतलब उधर उधर होके मैं थोड़ा देख पाऊंगी टास्क वगैरह, मैं बिल्कुल आपको मन करेगा कि आप बिल्कुल बैठ के मतलब सुनते रहो, कहीं पर जाओ मत। मैं कुछ दिन से मतलब ये जो मामा अर्थ की एक बाय बाय डार्क सर्कल आई क्रीम है वो यूज कर रही हूँ, तो देखते हैं मैं 10-15 दिन यूज कर लूँ, फिर मैं रिव्यू इसका करूंगी कि कैसा आ रहा है। तो अगर अच्छा रहेगा ये वाली क्रीम तो डेफिनेटली मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी, और इसको यूज कैसे करते हैं वो भी दिखा देती हूँ। बस थोड़ा सा, यानी आपको बहुत मतलब कम अमाउंट बस लेनी है आपको थोड़ा सा ही, और ये मिडिल फिंगर में दोनों हाथ को रब करनी है इस तरह से, और जो आंखों के नीचे इसको टैप टैप करनी है, और अभी इसको सर्कुलर मोशन पे धीरे धीरे इसको मतलब ऐसे करते करते आपको ये जो क्रीम है जितना मतलब ड्राई हो जाए जैसे, बस।
तो मेरी तो मतलब उतनी डर सर्कल नहीं है, बट अभी मुझे फील हो रही है जब मैं 4-5 घंटा कभी घर बैठ के एडिट कर रही हूँ तो मुझे आंखों पे प्रेशर आ रही है थोड़ी सी, मतलब मेरी स्किन से जो मेरी अंडर आई है वो थोड़ा सा मुझे डिफरेंट लग रहा है, बस थोड़ा सा बस डार्क पैच स्लाइटली मुझे फील हो रहा है, तो बाद में करने से अभी से मतलब करने में भलाई है, जब ज्यादा हो जाएगा तो ऑब्वियसली दिक्कत की बात है, तो इसीलिए मैं यूज कर रही हूँ और अच्छी थोड़ा सा मतलब सूदिंग ठंडा ठंडा भी फील हो रही है तो अच्छी भी लग रही है। और एक चीज जो है मतलब रात में हमेशा मेरे पास रहती है वो है ये मेरी लिप बम, मतलब ये मुझे चाहिए ही चाहिए रात को, मतलब मेरे पिलो के नीचे ही रहेगी ये, मतलब जब भी मेरा नींद खुलेगा मैं मतलब वॉशरूम भी जाऊंगी उठ के तो फिर से लगा लेती हूँ इसको। ओके गाइस, तो होप कि ये जो व्लॉग है आज की अच्छी लगी हो, और अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करना, और मेरे चैनल पे अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। फिर मिलते हैं और एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, सो टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय, गुड नाइट गुड नाइट गुड नाइट। 갑자기 내게 나타나준 너, 난 아무 말도 할 수가 없었지. 아니 이게 라이브 क्या करूं इसका, ये हमारा ऑनर देखेंगे ना फिर आपको आके।